मदन महल थाना क्षेत्र स्थित एक शराब दुकान में हुई चोरी के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा चोरों की पतासाजी की जा रही है। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व दुकान की शटर तोड़कर अज्ञात चोर लगभग 20,000 रुपए और शराब की बोतलें चोरी करके फरार हो गए। मदन महल थाना अंतर्गत पुराने बस स्टैंड के पीछे एक शराब दुकान की शटर तोड़कर दुकान में रखे 20,000 रुपए एवं महंगी शराब की बोतलें चोरी कर ली गयी। दो दिन पूर्व हुई इस घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि तीन अज्ञात चोर दुकान में दाखिल हुए और चोरी कर फरार हो गए। स्टेडियम दुकान है और लगभग 4:15 बजे के पास सुबह सुबह चोरी हुई है और शटर तिरछी करके शटर के एक तीन अज्ञात चोर द्वारा एक शटर के नीचे से घुस के अंदर से पैसे काउंटर से निकाल के और बाहर निकल गए। लगभग चोरी 15-20 हज़ार के लगभग गले से पैसे चोरी कर लिए गए। स्टेडियम रोड बस स्टैंड के पीछे सूर्या बार के पास। चोरी की वारदात के सीसीटीवी के आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। ये दो दिन पहले थाना मदन महल में सूचना दी गई थी कि जो शराब दुकान है बस स्टैंड पर स्थित, वहाँ पर कुछ दो लोग अनाधिकृत रूप से घुसे हैं और करीब 10 से 12 हज़ार का कैश उन्होंने वहाँ से चुराया है। तो इसमें अभी जांच की जा रही है थाना मदन महल के द्वारा और जल्दी इसमें सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। कुछ पता अभी तक तो कोई इसमें क्लू मिला नहीं है, लेकिन लगातार हमारी टीम से इस पर काम कर रही है।